हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या गर्ल्स न्यूज ने राहुल गांधी को पप्पू कहा? सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट की गई है जिनमें ये दावा किया गया है कि दुबई के अखबार गल्फ न्यूज ने राहुल गांधी को पप्पू कहा और उनका अपमान किया है। अधिकतर लोगों ने इस अखबार की एक कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। कुछ लोगों ने इसके साथ लिखा है कि विदेश में जाकर देश की इज्जत नीलाम करने वालों को ऐसी ही इज्जत मिलती है। दक्षिणबंदी रुझान वाले फेसबुक ग्रुप्स में भी ये आर्टिकल शेयर किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी के कार्टून स्केच से होती है और उसके नीचे लिखा दिखता है पप्पू लेबल। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और उनके समर्थक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। कुछ लोगों ने फेसबुक पर गल्फ न्यूज के इस आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, देश की सत्ता 65 साल तक संभालने वाली पार्टी के अध्यक्ष जब विदेश में जाकर ये बोलेंगे कि देश गरीबी और भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है तो सोचना पड़ेगा कि 65 साल तक उन्होंने किया क्या। संयुक्त अरब अमीरात और दुबई के अपने हालिया दौरे पर राहुल गांधी ने भारत के वास्तविक मुद्दों की चर्चा के दौरान वर्तमान मोदी सरकार की काफी आलोचना की थी। राहुल गांधी ने एक स्टेडियम में सार्वजनिक सभा कर दुबई में रह रहे NRI लोगों से बात की थी। इस दौरे के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गल्फ न्यूज को इंटरव्यू भी दिया था। पर क्या वाकई दुबई के इस अखबार ने राहुल गांधी का अपमान किया? जब हमने इसकी पड़ताल की तो सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों से अलग सच्चाई देखी। क्या है सच्चाई? अखबार की पूरी हेडलाइन थी कि पप्पू लेबल ने राहुल गांधी को कैसे बदल दिया। गल्फ न्यूज के अनुसार इस हेडिंग के ऊपर अखबार में जो कार्टून छापा गया था उस पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे और उन्होंने ही उसे छापने की अनुमति दी थी, लेकिन हेडिंग में पप्पू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? अखबार के अनुसार राहुल से पप्पू लेबल के बारे में एक सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में पढ़िए राहुल गांधी ने क्या कहा था। सबसे अच्छा गिफ्ट जो मुझे मिला वो है 2014। जितना मैंने 2014 से सीखा है उतना अपने जीवन में किसी चीज से नहीं सीखा। मेरी मुखालफत करने वाले लोग परिस्थितियों को मेरे लिए जितना मुश्किल बनाएंगे मेरे लिए उतना ही फायदेमंद है। जब वो मुझे पप्पू कहते हैं तो मैं उसे परेशान नहीं होता। मैं अपने विरोधियों के हमलों का सम्मान करता हूँ और उसे खुद में सुधार करता हूँ। अखबार ने हेडिंग में जो पप्पू शब्द इस्तेमाल किया वो राहुल गांधी के बयान का ही हिस्सा था। गल्फ न्यूज ने इस बारे में एक आर्टिकल लिखकर अपनी सफाई भी पेश की है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू की हेडिंग से राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश नहीं की है। अखबार की हेडिंग को राहुल गांधी की बेइज्जती से जोड़ना गलत है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।